ऑड इवन के हिसाब से दिल्ली की खान मार्केट भी खुल गई है। देख सकते हैं कि दुकानें खुली हैं आज, एसेंशियल सर्विस की दुकानें तो पहले भी खुली थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल की दुकान है, इलेक्ट्रिकल की दुकान है, किताबों की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तमाम दुकानें खुल गई। लेकिन यहाँ पर ऑड इवन का खास ध्यान रखा गया है इस मार्केट के अंदर, और ख़ास बात यह है कि जो गाइडलाइंस है सरकारी उसका भी खास तौर से ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ये पूरे निशान लगा दिए गए, अगर किसी को किसी दुकान में जाना है, किसी व्यक्ति को, कस्टमर को, तो इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इस एसोसिएशन के खान मार्केट के, संजीव मेहरा साहब, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, आज 2 महीने के बाद कई ये दुकानें खुली हैं, क्या ऑड इवन को फॉलो किया जाएगा? जी, ऐसा है कि कल हमारी मीटिंग हुई थी इस उपलक्ष्य में, और उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम सरकार के विजडम को चैलेंज ना करें, क्योंकि वैसे वायबली ये मार्केट खोलना ठीक नहीं है, हमारे लिए फिजिबल और वायबल नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उसका सम्मान करते हुए मार्केट को खोलने का निर्णय लिया गया एसोसिएशन द्वारा। और आज जैसे कि ऑड डे है, 19 तारीख है, तो ऑड के हिसाब से खुलेंगी दुकानें, और जो कल हैं वो इवन के हिसाब से खुलेंगी। तो इसी प्रकार से एक हफ्ते का जो टाइम सरकार ने लिया है कि भाई एक हफ्ते तक इस पर देखा जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा निर्णय किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ सरकार कोई ना कोई हमारी मुसीबतों को, जो हमारी परेशानियों को समझ के उस पर कोई ना कोई निर्णय हमारे हक में ही लेगी। आखिरकार पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में रौनक जो है वो एक बार फिर से लौटनी शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक की भगीरथ पैलेस मार्केट के अंदर, जहाँ पर करीबन 3000 के आसपास दुकानें हैं, और यहाँ पर किस तरीके से ऑड इवन फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया जाए उसको लेकर के मार्केट एसोसिएशन ने 1-to-1 का फार्मूला जो है वो इस पूरी मार्केट में अपनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर दुकानों के बाहर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से 2 नंबर और 1 नंबर, यानी 1-2-1-2 का फार्मूला जो है वो यहाँ पर अपनाया जा रहा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ यहाँ पर दुकानें जो हैं वो खोली जाए। यहाँ पे व्यापारी हैं जो कि मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं भरत आहूजा, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि तकरीबन 3000 के आसपास यहाँ पर दुकानें हैं और एक एक फ्लोर पर कई सारी शॉप्स हैं, उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे आप 1-to-1 का फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ऐसा है, म्युनिसिपल नंबर जो हैं उनके हिसाब से इसको कर पाना संभव नहीं था। यहाँ एक ही नंबर की जो दुकानें हैं वो एक बिल्डिंग के अंदर लगभग 50-40, 50-60 इस तरह से दुकानें हैं, तो वो अगर हम उसको पूरी को एक दिन खोलने की परमिशन दे दें म्युनिसिपल, तो वो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं थी। अभी हमने इसको फिर आपस में एसोसिएशन ने आपस में मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि इनको हम अपने नंबर दें, ताकि एक दुकान छोड़कर एक दुकान खुल सके। इसलिए हमने सब दुकानों को स्टार्टिंग से शुरू करके 1-to-1-to-1-to नंबर दे दिया है, जिसमें एक नंबर की दुकान तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी, और 2 नंबर की बाकी के 3 दिन खुलेंगी। इस तरह से हमने पूरी मार्केट का ये लागू कर दिया जी। आज हमने निर्णय किया कि पूरा दिन में हम इनको नंबर लगवाएंगे, 1-2 दिन इसको सबको प्रोसेस को मेंटेन होने में लगेंगे, कल से हम ऊपर के फ्लोरों पे भी शुरू करवा देंगे, ये 1-2 दिन में हम इसको कंप्लीट करके और उसके बाद मार्केट पूर्णतया खुलवाने का हम कर लेंगे। यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये देखिए पीछे तमाम जो सैनिटाइज करने वाले कर्मचारी हैं वो लगातार इलाके का जायजा ले रहे हैं। आज से अर्थव्यवस्था पटरी में लाने की एक कोशिश की गई है। एशिया के सबसे बड़े ऑटो पार्ट्स मार्केट कश्मीरी गेट में इस वक्त हम मौजूद हैं, और तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑड इवन के तहत दुकानें खोली गई हैं। पिछले दिनों के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है, और देखना होगा कि कोरोना से जंग जीतने में दिल्ली के बाज़ार कितना कामयाब हो पाते हैं।